टाइम पे फीड ले रहा है, खाना खा रहा है, और ये एक माँ और ये इसका बच्चा। जी मेरा जर्मन शेफर्ड नहीं होगा। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ छतबीर जू, जो कि रहने वाला है जीरकपुर के अंदर। और यहाँ मैं आपको इस पूरे व्लॉग के अंदर यहाँ की टाइमिंग, लोकेशन और सब कुछ बताने वाली हूँ। और यहाँ सभी एनिमल जो भी रहने वाले हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ व्लॉग के एंड तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं अंदर की और सारी जानकारी मैं आपको इसके साथ देने वाली हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं छतबीर जू, और यहाँ पर जो पार्किंग रहने वाली है वो है टू व्हीलर्स की 10 रुपीज़ और 3 व्हीलर्स की 20, एंड द बस ट्रक्स की 100 रुपीज़, और बाइसिकल और जो व्हीकल रहने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर चार्जेस। और ये मैं आपको यहाँ की पार्किंग दिखा रही हूँ प्रॉपरली। ये रहने वाली है यहाँ की पार्किंग, जो कि बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। और एंट्री विद पॉलीथीन इनसाइड जू है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन ना लेकर आए। यहाँ से हो रही है जू की एंट्री। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर, तो यहाँ से जाके आप जो है फीस मतलब यहाँ से टिकट लेकर अंदर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे फ्री वाईफाई जोन, और आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकते हैं अपनी साइट पर जाकर। और जिसने ई टिकट ली है, जिसने ऑनलाइन टिकट बुक कराई है, वो डायरेक्टली एंट्री गेट से अंदर की ओर जा सकता है। तो हम यहाँ आ गए अपने टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कराई है। तो ये जो रहने वाला है वो है टिकट रेट एडल्ट्स का 100 रुपीज़, चिल्ड्रन का 3 to 12 ईयर्स 50 रुपीज़, और जो कैमरा वीडियो कैमरा जो भी लेकर आएगा उसका जो चार्जेस रहने वाला है वो 500 रुपीज़। और जू जो है वो क्लोज रहता है एवरी मंडे। तो अभी हमने ले लिया अपनी टिकट और हम कर रहे हैं अपनी एंट्री। और ये है इसका मेन एंट्री गेट, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। और ये पाइप क्लोज जो है वो क्लोज़ हो जाता है। और यहाँ पर आए हुए हैं आज पिकनिक मनाने के लिए कुछ स्कूल के बच्चे। और यहाँ से हम अब कर रहे हैं अपनी एंट्री। और छतबीर जू जो है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, तो आप इस पे जाके यहाँ से पूरे ही जू में जो है घूम सकते हैं। और ये आपकी मतलब, और यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल के बहुत सारे बच्चे, तो वो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ आई लव छतबीर जू। वेलकम है आप सभी का छतबीर जू में। और जिसने इस ट्रॉली के अंदर बैठना है, इसको बैठ के अगर पूरे जू को घूमना है, तो उसके लिए चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि चार्जेस मैं आपको इस बोर्ड पर दिखा रही हूँ। एडल्ट्स के रहने वाले 60 रुपीज़, चिल्ड्रन 3 to 12 ईयर 60 रुपीज़, और बिलो 3 ईयर्स फ्री रहने वाला है। और टॉय ट्रेन्स के लिए आपको अलग, जो अंदर आपको यहाँ पर टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी, उसके चार्जेस ये हैं एडल्ट्स के, चिल्ड्रंस के, और जो बिलो 3 ईयर्स हैं उनके लिए फ्री हैं। ऑल टिकट्स आर ओनली फॉर 1 राउंड, जो सिर्फ एक ही राउंड में आपको यहाँ पर पूरे उस जू को घुमाएंगे। तो इसमें इसके पूरा जो चार्जेस है, ये चार्ज जो है मैंने आपको दिखा दिया है। और ऐसे ही आपको मिल जाने वाले हैं काफ़ी सेल्फी पॉइंट, तो आपको पूरे जू में ऐसे ही सेल्फी पॉइंट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कवर किया। और ये है रास्ता अंदर जू जाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे हंथ्रियस बबून, और ये इसकी सारी जो है डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखी हुई है। और बाकी मैं आपको उनका दिखाती हूँ क्लोजअप करके। चलिए, ये यहाँ बैठा हुआ है। आई होप आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही देखा है, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। एंड सेकेंडली, पता नहीं वो अपना कुछ खाना खा रहा है। इसका फ्रंट वाला लुक भी मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे तो। और नेक्स्ट मैं आपको लेकर आई हूँ पिग टेल जो मॉन्कीज रहने वाले हैं। यहाँ मॉन्कीज की काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ बोर्ड पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि एनिमल्स को जो है वो टीज़ ना करें। और यहाँ आपको शो करने वाली लंगूर कॉमन, जो कि लंगूर मंकीज़ के नाम से
फेमस होते हैं, वैसे मोस्टली अभी कम ही पाए जाते हैं, या तो आपको जू में देखने को मिलेंगे या कोई हिली एरिया में, तो ये सभी होते हैं। और इनकी जो टेल होती है वो काफ़ी लंबी होती है। और ये है पीकॉक, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ टाइगर। और टाइगर के बारे में जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस बोर्ड पर लिखी हुई है। वो रहा जो बिल में बहुत दूर छुप के बैठा हुआ है। कितना स्केरी सा लग रहा है ये। और यहाँ आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा वाटर कूलर का। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ वाइट टाइगर। और वाइट टाइगर की डिस्क्रिप्शन जो है मैंने ये सारी इसमें जो है इसके बारे में सब यहाँ पे इस बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। और ये रहा वाइट टाइगर, बहुत स्केरी सा लग रहा है। और इनकी हाइट जो है वो बिल्कुल एक मतलब पर्सन मतलब अप्रॉक्सीमेट 6 फीट से भी ऊपर होती है। तो ये अब अपना खाना ढूंढ रहा है। और इसी के जस्ट सामने आपको दिखेंगे पीकॉक्स, और ये यहाँ पे वाइट टाइगर। और इन्होंने काफ़ी जो है रेलिंग्स मतलब बनाई हुई है यहाँ पे, और जो इसकी हाइट है वो काफ़ी ऊँची है, तो टाइगर मतलब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, सेफ्टी है यहाँ पे प्रॉपरली। यहाँ इन्होंने प्रॉपरली जो है वो रेलिंग्स बनाई हुई हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, तो काफ़ी सिक्योरिटी काफ़ी सेफ है यहाँ पर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा हिप्पोपोटामस, ये यहाँ पे इसको सिक्योर रखा हुआ है। और ये बैठा हुआ है यहाँ छुप के, जो कि अपना अभी इस टाइम पे फीड ले रहा है, खाना खा रहा है। और ये एक माँ और ये इसका बच्चा, और उसी के ऊपर ही घूम रहे हैं यहाँ पर पीकॉक्स। इक्के बच्चा होता है, नस्ल कम है। और हम जिस वे में चल रहे हैं वहाँ पे सामने जस्ट मेरे सामने ही है पीकॉक, और वो भाग रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पीछे कोई ना कोई आ रहा है, तो इतनी देर में तो वो गायब ही हो जाते हैं। तो बिल्कुल जस्ट मेरे आगे आगे ही है, और ये चला गया अंदर की ओर। और नेक्स्ट वन इज द वाइट बक। अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। और किसी के भी नियर बाय जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये सारे ही वाइल्ड रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है इसको यहाँ पे। और यहाँ जू में आपको ये झूले भी देखने को मिलेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ पर आकर रेस्ट करें, या फिर ऐसे झूले झूल सकते हैं जैसे कि ये झूल रहे हैं। और ये है बोर्ड पर होग डियर, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में रीड कर सकते हैं। इनके लिए अलग से एक तबेला बनाया गया है जहाँ पर इनको रखा गया है। और ग्रे गोराल जो कि हिमालयंस हैं, और यहाँ पे जिसके डिस्क्रिप्शन है आपको रीड कर सकते हैं इनका जो लाइफ स्टाइल क्या रहता है, इनका खान पान क्या रहता है, कब तक जीवित रह सकते हैं, वो सभी इस पर मैंशन किया गया है। और मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ रेप्टाइल हाउस, ये मैक्सिमम 4:30 क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले पहले आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें टच करना या फिर इनको प्रॉपरली एक केज में रखा जाता है तो इनको 4:30 बजे तक क्लोज कर दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल है, आपको ये देख के लग रहा हो कि कुछ सीमेंटेड सा कुछ पड़ा हुआ है, बट नहीं, ये ओरिजिनल है, कोई मतलब किसी सीमेंटेड या किसी चीज़ से नहीं बनाया गया है इनको, ये ओरिजिनल है ये। तो आप इन्हें अगर करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो इस बोर्ड पर मैंशन है, और कुछ जो है वो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े वो पानी के अंदर हैं, और ये ओरिजिनल है, ये सिर्फ जस्ट उस टाइम उनका स्लीपिंग टाइम था, तो तब ये सो रहे थे। और ये अब आप देख सकते हैं
ये बहुत ही खतरनाक होता है हाइना। और ये ना मतलब इसको कंपेयर कर सकते हैं लाइक लॉयन से, ये उससे भी ज़्यादा इवन दो खतरनाक होता है। तो आप जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो इस पे मेंशन की गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका जो एक एरिया बनाया हुआ है इसी पे वो राउंड ही लेता रहता है। लाइफ सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जिसके लिए देने पड़ते हैं आपको 75 रुपीज़। और जो ये बस है ये आपको अंदर की ओर लेकर जाएगी। तो अभी हम जो है बस में बैठ चुके हैं, और इन्होंने जंगल से बिल्कुल इसको सटाकर इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर रखा है ताकि कोई भी एनिमल जो है हार्म ना पहुंचा सके। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हमने जंगल में एंटर किया तो यहाँ पर बहुत सारे लॉयंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे जस्ट सामने आपका लॉयन है, और ये बस के अंदर ना इन्होंने प्रॉपर अच्छे से रेलिंग लगाई हुई है ताकि कोई भी अटैक करे तो किसी को हानि ना पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डियर आप देख सकते हैं, और सामने स्टैग आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी और ये पीकॉक भी आ गया, और यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को या किसी को भी बाहर ना निकालें, क्योंकि ये प्रॉपरली हानि आपको पहुँचा सकते हैं, आपके फ़ोन को ले सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जो है इस जंगल से एग्जिट कर रहे हैं। छतबीर जू में ना स्पेशली एक डायनासोर पार्क बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये जो इसका मैं आपको बिल्कुल जस्ट आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट, और यहाँ पर इन्होंने डायनासोर ऊपर लगाया हुआ है जो कि अंदर भी रहने वाले हैं, क्योंकि आपको इनको यहाँ पे अलाइव नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डायनासोर के कुछ कुछ स्कल्पचर्स में देखने को मिल जाएंगे। और ये डायनासोर का आप यहाँ पे एक वो भी देख सकते हैं, इन्होंने ना कुछ कुछ अच्छी चीज़ें, एक आपको सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कार आप देख सकते हैं, और इन्होंने एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई हुई है वॉल्स पे, और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। और आप मेरे जस्ट अब सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुफा बनाई हुई है, और इस गुफा के अंदर ना कुछ डायनासोर लगाए हुए हैं, जिसमें आप मतलब कुछ आपको डराने के लिए कुछ वैसे इस तरीके से, बट इट वॉज वेरी गुड। एंड अभी हम इससे गुफा से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो ये आपको कुछ कुछ ऐसे डायनासोर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने इन्होंने प्रॉपरली स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। और आपको मतलब डायनासोर पार्क जो है वो बहुत ही मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि बीच में एक छोटा सा डायनासोर पार्क जिसके विंग्स इन्होंने लगाए हुए हैं। और अभी हम आगे चलते हैं, तो इन्होंने मतलब पूरे ही ग्राउंड के अंदर ना छोटे छोटे डायनासोर पार्क लगाए हुए, डायनासोर लगाए हुए हैं, जिसे आप इसमें एक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाहर निकलते हैं, और ये बड़े वाला डायनासोर है, और इस मतलब इन्होंने प्रॉपरली एक साइजेस के अकॉर्डिंग ना डायनासोर्स भी रखे हैं, और उनके नीचे एग भी रखे हुए हैं कि ये कैसे बर्थ लेते हैं या फिर इनके किस तरीके से एग्स होते हैं, ये सभी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये कितना ही हॉरिबल लग रहा है ना, मतलब जैसे प्रॉपर दिखाया है कि डायनासोर एक्चुअल इस तरीके का ही होता है, क्योंकि वो बहुत हॉरिबल होते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया यहाँ पर लाने से, और अभी है भी नहीं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की जो कैंटीन है, यहाँ पर अगर आपको भूख लगती है कुछ भी है तो आप यहाँ पे मील भी ले सकते हैं। तो ये लिस्ट है पूरी, रेट लिस्ट है कैंटीन की, अगर आपको जो भी यहाँ से खाना है तो आप वो सेल्फ सर्विस है ले सकते हैं। गाइज़ मैंने आपको पूरा ज़ू घुमा दिया है, और आई होप आपको जो है ज़ू काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इसका कुछ एंट्री फीस है कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तो बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।